जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी गुफा तीर्थ स्थल पर तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक यात्री बस पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी की। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटना में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से की गई इस गोलीबारी में 10 लोगों की जान चली गई। ये आतंकवादियों का वही समूह है जो राजौरी, पुंछ और रियासी के ऊपरी इलाकों में छिपा हुआ है। इस पूरे मामले पर रियासी SSP मोहिता शर्मा ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। तो क्या ये हादसा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है, कहाँ जा रहा है? ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGW पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं, तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो है सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालु के ऊपर? ये अपील इट इज टू सून टू से एनीवे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।